मुंबई यानी सपनों का शहर जो 7 टापुओं से बना हुआ है। यहाँ मछुआरे रहा करते थे। उन 7 टापुओं में से वर्ली एक टापू है और अभी तक वर्ली मछुआरों का गांव कहलाया जाता है, पर अभी वो पुराणों में कहलाने वाला सपनों का शहर जैसा नहीं है। वर्ली के मछुआरों के अपने सपने हैं। उनमें से एक सपना ये है कि उनके समंदर में बहुत अच्छी तादाद में लॉबस्टर हो। लॉबस्टर जो संधिपात समुदाय के राजा हैं। वर्ली टापू लॉबस्टर की अलग अलग जातियों के लिए जाना जाता है। इस संधिपात समुदाय में लॉबस्टर के दाम सबसे ज्यादा होते हैं। मांस में बहुत कम, लेकिन उसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी मूल निर्यात होती है। इसके अलावा आंतरिक बाजार में भी इसके दाम बहुत अच्छे आते हैं। खाने में पैसेदार और पर्यटक सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन गरीब मछुआरों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। लॉबस्टर का जीवन समंदर की गहराइयों में है। उनके शरीर पर कवच होता है जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा उनके लंबे एंटेना होते हैं जो चीजों को परखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉबस्टर की कई जातियां हैं, जिनमें खड़क के लॉबस्टर यानी काका और रेत के लॉबस्टर हैं। रेत के लॉबस्टर का जीवन लंबा होता है और जीवन काल में उनकी बढ़ोतरी होती है। समंदर की गहराइयों में चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं। जब वो मुसीबत में आते हैं तब वो उल्टा तैरते हैं। रात के दौरान वो अपना काम करते हैं और दिन में खड़कों की जगह में घुस जाते हैं। लॉबस्टर जो पत्थर वाली, रेत वाली और कीचड़ वाले समंदर किनारे और गहरे समंदर में वो रहते हैं। भारत के सभी समुद्री इलाके में होने के कारण उनकी मछुआरी उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी किनारों में की जाती है। भारतीय इलाकों में लॉबस्टर की कुल 25 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें से 6 प्रजातियां व्यापारी मूल के लिए जानी जाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी किनारों में 60% पकड़ ट्रॉलर मछुआरी से होती है। दक्षिण पश्चिमी किनारों में लॉबस्टर को पकड़ने के लिए पिंजरे, किलजा, ट्रोमल नेट का इस्तेमाल और गोता मारकर यानी डुबकी लगाकर भी लॉबस्टर को पकड़ने की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। लॉबस्टर की मछुआरी पारंपरिक मछुआरी पे आधारित है। वो पुरानी पर टिकाऊ मछुआरी का अमल करते हैं। उसके अलावा गांव में बसे दूसरे कामदारों को भी सहाय रूप बनते हैं। केरल के कोल्लम और वीडिनिज्म इलाकों में और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एन्याम गांव में लॉबस्टर को पकड़ने के लिए पिंजरे का इस्तेमाल होता है। ये पिंजरे नारियल और पाम की पेड़ की छाल में से बनाए जाते हैं। गांव के कई पुराने कारीगर पिंजरे बनाकर अपना गुजरान चलाते हैं। पहले परंपरागत मछुआरे समंदर के गहरे पानी में गोता मारकर पिंजरे को पत्थरों की गुफा के पास रखते हैं। इस पिंजरे में लॉबस्टर अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते। इस पिंजरे में वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद मछुआरे गोता मारकर लॉबस्टर को नुकसान न हो इस तरह पिंजरे को ऊपर ले आते हैं। प्राचीन रोम और ग्रीक के लोग लॉबस्टर को बहुत अच्छे और उत्तम खुराक के तौर पर स्वीकारते थे। रोम की पहली सदी के लेखों में लॉबस्टर को उबालने की पद्धति दी गई है। ब्रिटिश कॉलोनी ने भी लॉबस्टर को क्यूसिन यानी अच्छी गुणवत्ता के लिए माने जाते थे।
इसके अलावा अमेरिका में लॉबस्टर को खाना यानी कि गरीबी से ऊपर होना माना जाता है। वाहनों के परिवहन के उपयोग के कारण लॉबस्टर के खाने में कई बदलाव आए हैं। उसके दाम के कारण दुनिया की बाजार में अच्छी समुद्री खुराक के लिए जाना गया है। आज लॉबस्टर को मनभावन खुराक की प्रसिद्धि मिली है। आज लॉबस्टर बाजार में सबसे महंगे से महंगा खुराक है, पर उसकी संख्या में कमी को ध्यान में लेना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट मछुआरी जैसे कि ट्रॉलिंग, यह तादाद को कम करने की ओर ले जाती है। पारंपरिक मछुआरों को अच्छी पकड़ लेने में कठिनाइयां आती है, इसलिए वो दूसरी तरकीब की ओर जा रहे हैं। वह रात में मछुआरी करने के लिए जाते हैं, पर यह उनको सहायता नहीं कर पाती, इसलिए लॉबस्टर की तादाद में आंकड़े से भी ज़्यादा कमी देखी जाती है। कड़ायापट्टनम जो भारत के दक्षिणी किनारे के वाड़े जिले का एक गांव है, जो लॉबस्टर को अच्छी तादाद में पकड़ने के लिए जाना जाता है। इस गांव में लॉबस्टर की मछुआरी पर निर्भर 400 परिवार बसते हैं, जो पारंपरिक ढब से मछुआरी करते हैं। दुनिया भर में लॉबस्टर की मांग की बढ़ोतरी के कारण उनका जीवन निर्यात अच्छा हो रहा है। वो धीरे धीरे पिंजरे की जगह से ऊपर उठकर गिलजार और ट्रेमलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। गिलजार के ऊपर की ओर थर्मोकोल के बोए और नीचे वजन होने के कारण समंदर की गहराइयों में दीवाल की तरह जाल बनती है। मछुआरे इस जाल को पत्थर के आसपास रखते हैं, इसलिए रात को जब लॉबस्टर बाहर आते हैं तो पकड़े जाते हैं। ट्रॉमल नेट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। अंदरूनी भाग 4 सेंटीमीटर का होता है, जिससे छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं। इस जाल का इस्तेमाल सरलता से किया जा सकता है, पर इससे छोटे छोटे बच्चे ही पकड़े जा सकते हैं, इसलिए यह टिकाऊ मछुआरी नहीं है। निर्यात में अच्छे दाम लेने के लिए लॉबस्टर को नुकसान न हो, इस तरह जाल में से निकाला जाता है। तकरीबन सभी व्यापारी गांव में जाकर लॉबस्टर की खरीदारी करते हैं। தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு 800 ரூபா 800 ரூபா மேலடா। वो लॉबस्टर को लोहे की पिंजरे में ही रहने देते हैं और निर्यातकर्ताओं के माफिक ले जाते हैं। लॉबस्टर को ताजा खाना चाहिए, इसलिए उनको जिंदा ही खरीदा जाता है। जिंदा लॉबस्टर को चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में निर्यात किया जाता है। जिंदा लॉबस्टर को पैकिंग करने के लिए ठंडे पानी में रखकर उनका तापमान समुद्र के पानी के तापमान से थोड़ा नीचा रखा जाता है, इससे लॉबस्टर की खाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, इसलिए वो थोड़े बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उनको अच्छे इंसुलेशन बॉक्स में रखने से लंबे समय तक वो जिंदा रहते हैं और लंबी दूरी तक ले जाया सकता है, जिससे व्यापारी उनको फिर से जिंदा अवस्था में लाकर जिंदा ही बेच देते हैं। भारत में लॉबस्टर की मुख्यतः मछुआरी उत्तर पश्चिमी इलाके में की जाती है। वेरावल और उनके आसपास के इलाके में उनकी मछुआरी का केंद्र है। वेरावल के मछुआरे कीचड़ के लॉबस्टर यानी काका और स्लीपर लॉबस्टर को भारी तादाद में पकड़ते हैं। गुजरात के मछुआरों का गांव जालेश्वर का अलग ही इतिहास है। इस गांव के लोगों की लंबी श्रृंखला है। उनके कहने के मुताबिक
वो सिंध प्रदेश या ईरान में से आकर यहाँ बसे हैं। वहाँ से उनके पूर्वज चलते चलते नदी नाले और झरनों को पार करके वो जहाँ पानी वाली जगह देखते वहाँ ठहरते और वो काम चलाओ मकान बनाकर वो रहते थे। इस तरह वो घूमते घूमते यहाँ समुद्र तट तक पहुँचे। यहाँ मछलियाँ और लॉबस्टर थे। फिर उन्होंने अपने पक्के मकान बनाए और समुद्र किनारे पर रहते और मस्ती के साथ जीते थे। उनकी यहाँ लॉबस्टर की अच्छी मछुआरी होती थी, जो इस गांव की एक मुख्यतः मछुआरी थी। समंदर में लॉबस्टर की अलग अलग प्रजातियाँ देखी जाती थी, पर अब इस एरिया में वह दिखाई नहीं देती। भारत का कुल लॉबस्टर के उत्पादन में उत्तर पश्चिमी इलाके का हिस्सा 60% है। इस इलाके की मुख्यतः जाति में स्लीपर लॉबस्टर और कांटे वाला लॉबस्टर है। मरे हुए लॉबस्टर को पूरा उबालकर या तो फ्रीजिंग करके या फिर उसकी पूंछ का फ्रीजिंग करके उसके मांस का निकास किया जाता है। जिंदा लॉबस्टर को पकड़ने से उनका रंग भूरे बादामी से लाल बन जाता है, इसलिए वो आकर्षक बन जाते हैं और जापान में इसका दाम बहुत ज्यादा मिलता है। स्लीपर लॉबस्टर यानी काका मुख्यतः वेरावल में पाए जाते हैं। उनकी निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। विदेश में मांग के कारण विदेशी चलन में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण निर्यात उद्योग ने बहुत लोगों को काम दिया है। और उद्योग में बढ़ोतरी भी हुई है। वेरावल लॉबस्टर लाने का मुख्य केंद्र है, पर आजकल में उसकी तादाद भी कम हो रहा है। संसाधन में कमी आने में पर्यावरण में प्रदूषण जवाबदार है। प्रदूषित पानी समुद्र में छोड़े जाने के कारण कई लॉबस्टर के ठिकाने नष्ट हो गए हैं। उसके अलावा नजदीकी उत्पादन की क्षमता में भी असर हुई है। छोटी सी नाव को लॉबस्टर नहीं मिलते और ट्रॉलिंग मछुआरी में थ्रिम्स के साथ लॉबस्टर के बच्चे पकड़े जाते हैं। ट्रॉलर के द्वारा पकड़े जाने वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ट्रॉलर के द्वारा सब साफ हो जाता है। हम गरीब मछुआरे को कुछ नहीं मिलता। एक समय पूरा समुन्द्र मछलियों से भरा हुआ था, पर अब सब खत्म हो गया है। ट्रॉलर की सबसे छोटी जाल ने सब कुछ पकड़ लिया। हजारों नाव समुद्र में, वो कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ते। अगर सरकार बच्चों को पकड़ने वाली ट्रॉलर पर नियंत्रण लाती है तो समुद्र में मछलियाँ कभी कम नहीं होगी और मछलियाँ खूब सारी रहेंगी। प्राचीन काल पश्चात भी वो इस गांव में रहने लगे। उनको ऐसा लगता था कि जिंदा रहेंगे तब तक स्वर्ग बना रहेगा, पर अब संसाधन में झड़पी कमी देखी गई है। लॉबस्टर उनका समंदर छोड़ गए हैं। महाराष्ट्र में भी पारंपरिक मछुआरे लॉबस्टर को पकड़ने के लिए पिंजरे का इस्तेमाल करते हैं। उनके पिंजरे देश की दूसरी जगहों पर उपयोग किए जाते पिंजरे से थोड़े अलग है। यह दिखाता है कि अपनी स्वदेशी मछुआरी तकनीक में कितनी विभिन्नता है। यह तकनीक सक्षम और कम खर्च वाली थी और वह पर्यावरण की नजदीक थी।
20 साल पहले मैं रोजाना 15 किलो लॉबस्टर पकड़ता था, कभी कभी उससे भी ज़्यादा पकड़ता था। ट्रॉलर के कारण अंडे वाली मादा लॉबस्टर पकड़ने से लॉबस्टर की तादाद का नाश किया। मेरे पोतों ने कभी बड़े लॉबस्टर देखे ही नहीं हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है कि लॉबस्टर कितने बड़े होते हैं। आज के दिन में मुझे 2 किलो के आसपास मिल पाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग के कारण संसाधनों में कमी हुई है। मछुआरे पिंजरे को छोड़ रहे हैं, जिससे वो लोग अपनी पारंपरिक तकनीक छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। उनकी जगह पर गिल नेट और ट्रॉमल नेट का उपयोग होने लगा है। मुंबई शहर में अब पिंजरे दिखने बंद हो गए हैं। मुंबई में दाम सरेराज 300 से 1200 तक 1 किलो का है और उत्पादन मूल्य 15 से 18 करोड़ तक का है। निर्यात का दाम 7.9 लाख US डॉलर है। आज की विदेशी बाजार में लॉबस्टर की मांग है और एशिया की बाजार में छोटे कद के लॉबस्टर की है, जो मुख्यतः उबालकर फ्रोजन के रूप में निर्यात की जाती है। दूसरे देशों में जो लॉबस्टर मारने का काम करते हैं, उनकी तुलना में भारत में सख्ताई कम है। सन 1980 में लॉबस्टर की वार्षिक सरेराश उत्पादन 402 टन थी, जो कम होकर 2004 में 210 तक हो गई है और ज्यादा घटकर 126 तक हो गई है। आखिरी कुछ सालों से भारत में लॉबस्टर का उत्पादन 2000 टन तक का देखा गया है। 2001 का कुल उत्पादन 2387 टन से 1283 तक की कमी खतरे की घंटी बजाती है। भारत में 2005 में कुल उत्पादन 1117 टन का था। हमारे यहाँ मुंबई में रेती के लॉबस्टर की मछुआरी है, जो 80 के दायरे में अच्छा रहा, जिसमें 400 टन जितना उत्पादन हुआ था। धीरे धीरे मछलियाँ कम हो गई और 1992 में 2 टन जितना ही, और 1993 में करीबन शून्य हो गया, और 1994 के बाद रेती के लॉबस्टर की मछुआरी बंद हो गई। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारत के लॉबस्टर मछुआरों पे बहुत संशोधन किया है, जो 60 साल का समय है। संशोधन के परिणामों से देखा गया है कि जो लॉबस्टर मुख्यतः पकड़े जाते हैं, वो करीबन सब अलग अलग कद के और अंडे देने वाली मादा लॉबस्टर को पकड़कर बेचा जाता है। समंदर की मछलियों का निर्यात में बड़े निर्यात करने वाले भारत को विदेशी बाजार के नए नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि खाने वाले लोग टिकाऊ पर्यावरण की मछलियों की मांग रखते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं कि विदेशी बाजार में टिकाऊ पर्यावरण का अगर लेबल हो तो बहुत अच्छे दाम देते हैं और यही भविष्य में मुनाफे वाली बात है। इसलिए MPDA के द्वारा यह लॉबस्टर का छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करने का तय हुआ है। लॉबस्टर अपने देश में नष्ट हो जाए ऐसे तरीकों से पकड़ा जाता है, पर उनमें बदलाव लाकर भी लॉबस्टर की मछुआरी टिकाऊ तरीके से हो, ऐसा बदलाव लाना है। आज के लॉबस्टर का सरेराश कद 10 साल पहले पकड़े जाते लॉबस्टर से बहुत कम है, पर प्रजनन के दौरान करीबन सब मादा अंडे से होती है। लॉबस्टर की एक बारी के समय में 1 से 15 लाख अंडे होते हैं। अंडे छोड़ने वाली लॉबस्टर मादा मछुआरी के समय में होती है, ताकि सोनन में अंडे वाली मादा लॉबस्टर को पकड़े जाते हैं। लॉबस्टर अंडों में से पैदा होते हैं, इसलिए अंडे देने वाली मादा लॉबस्टर को नहीं पकड़ना चाहिए, पर यह बोलना आसान है। आज के दिनों में पैदाश बहुत कम है। एक मछुआरा कभी कभी दिन में 2 और 3 ही लॉबस्टर पकड़ पाते हैं। अगर सभी अंडे देने वाली मादा लॉबस्टर है तो क्या उनको समंदर में फिर से छोड़ना पसंद करेंगे? CMFRI के वैज्ञानिकों से लॉबस्टर मछुआरी की परिस्थिति और उनके व्यवस्थापन के मुद्दे
और बचाव के मापदंडों के पोस्टर बनाए हैं। पोस्टर में भारतीय समंदर में मिलने वाले लॉबस्टर को बचाने के लिए अलग अलग मापदंडों सूचित किए गए हैं। उसमें से लॉबस्टर की 4 व्यापारिक जातों को पकड़ने की और निर्यात करने की कम से कम मापदंडों की कायदे से सूचन की गई है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से नोटिफिकेशन निकाला गया है। मछुआरों को लॉबस्टर की मछुआरी के बारे में सब पता है कि संसाधनों की कमी हो रही है, पर वो नियमों से दूर रहना चाहते हैं। उनको यह डर है कि उनकी आज की आमदनी में परेशानियां आएगी, इसलिए सभी वपराशकर्ताओं जैसे कि मछुआरे, व्यापारी और लॉबस्टर की निर्यातकर्ता में जागरूकता लाना जरूरी है। इसमें मछुआरी टिकी रहेगी। अंत में इस प्रोजेक्ट के फल के लिए एक रीजनल मछुआरी व्यवस्थापन कमेटी बनाई जाए, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को साथ में लिया जाए, जिससे संसाधनों का अच्छी तरह से व्यवस्थापन किया जा सके। मछुआरों को ये समझना जरूरी है कि ये बचाव के मापदंड उनके भविष्य के लिए सहायता रूप है। आखिरकार तो वही इस मछुआरी के मैनेजर हैं। उनकी भागीदारी से अच्छे दाम के परिणाम मिलेंगे। भागीदारी से व्यवस्थापन और भारत में लॉबस्टर बचाने की प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 2002 में की गई, जिसमें MPEDA से फंड दिया गया। CMFRI का मूल उद्देश्य यही था कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा अच्छी तरह चले और उसका विकास हो सके, जिससे कि कम संख्या में मिलते और ज़्यादा दाम वाले संसाधनों को टिकने वाली बने, जिसमें मछुआरों की भागीदारी हो, NGO, सरकारी संस्थानों और संसाधन करने वाली संस्थाएं इसमें भाग लेकर इस संसाधन को टिकाऊ बनाए। इस प्रोजेक्ट का मुख्यतः हेतु जो हरेक लॉबस्टर को पकड़ने वाले गांव को लॉबस्टर को बचाने का संदेशा देता है। अंडे वाली मादा लॉबस्टर को मछुआरों से खरीद कर उसकी पूंछ पे व्हील लिखकर समंदर में वापस छोड़ देना है। इसके अलावा मछुआरों को यह समझाना है कि अंडे वाली मादा लॉबस्टर को बचाएं, भविष्य में वो भी खुद उस मादा लॉबस्टर को वापस समंदर में छोड़ दे। इसके अलावा गांव के प्रगतिशील मछुआरों को भागीदार किया है। संसाधनों का बचाव और आवास बचाव के लिए अपनी भविष्य की पीढ़ी में जागृति लाए। सभी लॉबस्टर अंडे में से होते हैं। अगर उनको वापस फिर से छोड़ा नहीं गया तो समंदर में से लॉबस्टर नष्ट हो जाएंगे, जो मछुआरों के लिए बहुत मुश्किलियां लाएगा। इस प्रोजेक्ट में गांव की स्कूलों और कॉलेजों ने भी भाग लिया। नजदीकी कॉलेज के छात्रों फील्ड में जाकर मछुआरों के समुदाय और वैज्ञानिकों से बातचीत की। अलग अलग पंचायतें, चर्च और सहकारी मंडलियों के प्रोजेक्ट में सहायता करने की बातचीत की गई। पैम्पलेट बांटे गए और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के 10 लॉबस्टर की मछुआरी करते गांव में पोस्टर लगाए गए। लॉबस्टर पकड़ने के पिंजरे की डिजाइन CIFT के द्वारा मुफ्त में दिए गए। इससे करायापट्टनम और एनएम के मछुआरों को ट्रेमल नेट का उपयोग न करने के लिए समझाया गया। CIFT के द्वारा मछुआरों के साथ पिछले 10 सालों तक साथ रहकर लॉबस्टर के पिंजरे में बदलाव लाने का काम किया है। पारंपरिक मछुआरे लॉबस्टर के पिंजरे बनाने के लिए पालमरा के पत्तों का उपयोग करते थे, जो प्रकृति द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। बाद में वो सड़ जाते हैं और समंदर में पिघल जाते हैं। उनमें बदलाव लाकर वेल्डिंग की हुई जाली और उसमें प्लास्टिक का कवर लगाया गया, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगेगा। पिंजरे का इस्तेमाल बहुत सफल था। वो बहुत सही और इस्तेमाल करने में सरल था। इस एरिया में तकनीकों का उपयोग होने के कारण मछुआरों को बहुत नुकसान हुआ है, पर पिंजरे जैसी तकनीक आने के कारण उनको नया कुछ लाने की प्रेरणा मिली है।
उन्होंने अपने आप से बदलाव किए और ये एकमात्र तकनीक लोगों तक पहुंची है। गुजरात में परिस्थिति ज्यादा विकट है। थ्रिम्स ट्रॉलिंग में लॉबस्टर बाइकैश से पकड़े जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मापदंड नियम अमल में लेना, जैसे कि जाल के माप के नियमों में तकनीकी मुश्किलियां हैं। पर ऐसा किया जा सकता है कि मछुआरे खुद अंडे वाली मादा लॉबस्टर और बच्चों को फिर से समंदर में छोड़ दें। व्यवस्थापन में कुछ नया लाना, जैसा कि जवाबदारियां लाना जरूरी बन गया है। कोली और खारवा यह मुख्य दो प्रभुत्व वाले समुदाय इस एरिया में हैं, जो नाव के मालिक हैं। यह समुदाय सामाजिक तौर पर जुड़ा हुआ है। खारवा जो बहुत सक्षम समुदाय है, उनके मुखिया को पटेल कहलाया जाता है, रोज बरोज के फैसले लेते हैं, जिनमें समुदाय में हो रहे झगड़े और मुश्किलियों के फैसले लेते हैं। मुखिया दूसरी ज्ञाति के प्रश्न में भी बीच में रहते हैं। पटेल बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, जिसके निर्णय को टाले बिना मानना पड़ता है। CMFRI के वैज्ञानिकों ने समुदाय की संस्थाओं के साथ बहुत बार बातचीत की। जन जागृति के हथियार जैसे कि पोस्टर, स्टिकर और लिखित संदेशों को उनके सभ्यों में बांटा गया। मंदिर जो समुदाय का एक मुख्य केंद्र रहा है, गांव के मुख्य लोग रोजाना मंदिर पर इकट्ठा होते हैं और सामाजिक मामले के विषय पर बातें करते हैं, जैसे कि शादी, शिक्षा और व्यापार। खारवा समाज की तरह कोली समाज भी संगठित समाज है। उनको भी CMFRI के वैज्ञानिकों द्वारा प्रोजेक्ट की कामगिरी समझाई गई। यह एक सरकार और मछुआरों के बीच का जोड़ान बना है, एक सह संचालन के लिए जरूरी है। यह एक आपसी सहकार से संसाधनों के व्यवस्थापन का नया अध्याय था, एक परिणामदायक था और उनको एक आशा हुई कि टिकने वाली और जवाबदारी वाली मछुआरी व्यवस्थापन की नई शुरुआत के साथ मछुआरे समुदाय की भी भागीदारी होगी। CMFRI के द्वारा वेरावल में 4 कार्यशालाएं शुरू हुई, जिसमें मछुआरी के नियमों का अमल कैसे करना है इस विषय पर बातचीत हुई, जिसका केंद्र बिंदु मछुआरों में जवाबदारी से मछुआरी की लगन थी। इस कार्यशाला में मछुआरे, संलग्न राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक, CMFRI, CIFT, गुजरात फिशरीज कॉलेज के प्राध्यापक, MPEDA, EIA और NGO के प्रतिनिधियों, मछुआरों के प्रतिनिधियों, पटेल और गांव के मुखिया, निर्यातकर्ता और मछुआरी के साथ जुड़े अन्य लोग ने भी भाग लिया था। इस तरह CMFRI के द्वारा मुंबई में भी कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र की टिकाऊ और बिकने वाले लोबस्टर की मछुआरी के विषय में नियमों का अमलीकरण की जरूरी बातें हुई। कुल 100 मछुआरे, नाव के मालिक, मछली बेचने वाले लोग, व्यापारी और निर्यातकर्ता भी इस मीटिंग में हाजिर रहे। इसके अलावा CIFT के 20 छात्र और CMFRI मुंबई की ऑफिस स्टाफ ने भी इस मीटिंग में भाग लिया। इस प्रोजेक्ट में लॉबस्टर के संसाधनों का व्यवस्थापन और बचाव के जरूरी सह संचालन हुआ ऐसा लगा। इससे यह साबित हुआ कि मछुआरों की भागीदारी से अच्छी मछुआरी व्यवस्थापन पद्धतियां लाई जा सकती है। इसमें मछुआरों को यह जागरूकता आई कि अच्छी मछुआरी करने से लॉबस्टर के संसाधन लंबे समय तक टिकाऊ मिल सकते हैं। उन्होंने माना कि बहुत ज़्यादा मछुआरी करने से सोने के अंडे गंवा देंगे।